His students, in this module, we are going to discuss the population control and importance of family planning programs. Family planning refers to the use of contraception and other methods to regulate the timing and number of children within a family. When the population grows, we are different family planning programs. ज़ोर दिया गया कि पॉपुलेशन को किसी तरह से किसी हद तक कंट्रोल किया जाए तो डिफरेंट फैमिली प्लानिंग या कंट्रोल मैकन, मेकनिज़म्स जो हैं वो अडॉप्ट किए जाते हैं मुख्तु माशरों के अंदर जिनमें कॉन्टरसेपशन का यूज़ जो है वो मोस्ट प्रेवलेंट है, है कि जिसके ज़रिए जो है वो हम ये तय कर सकते हैं या ये डिसाइड कर सकते हैं कि बच्चे जो हैं वो उनकी तादाद क्या होगी और कब बच्चा पैदा करना है और कब बच्चा नहीं पैदा करना सो इन पाकिस्तान द फैमिली प्लानिंग इनिशियटिवस है मेजर फोकस ऑफ पापुलेशन कंट्रोल एफर्ट्स एज द कंट्री हैज स्ट्रगल्ड टू मैनेज हाई पापुलेशन ग्रोथ रेट्स हमारे थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जो डिफरेंट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स हैं वो चलते रहे हैं उन्होंने मुख्तु टारगेट्स अचीव भी किए हाउ एवर वो टारगेट्स जो हैं वो सफिशेंटली हमारे फर्टिलिटी रेट को उस तरह से कंट्रोल नहीं कर सके जिस तरह के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अंदर जो हमसे एक्सपेक्टेशंस थी लेकिन इसके साथ साथ देखने की चीज़ ये है कि इस वक्त जो हमारा एक पापुलेशन की का ग्रोथ रेट है वो रिलेटिवली एक बैलेंस्ड ग्रोथ रेट है क्योंकि अगर हमारे कंट्री के अंदर पापुलेशन कंट्रोल जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता और सडनली ये ग्रोथ रेट जो है वो एकदम डिक्लाइन होता तो शायद हमारे लिए भी सिचुएशन जो है वो इस हद तक मुश्किल होती जैसे कि कुछ कंट्रीज़ के अंदर है कि जहाँ पे ओल्डर पॉपुलेशन या डिपेंडेंट पॉपुलेशन एकदम बहुत ज़्यादा हो गई है नस्बता के उनकी यंग पॉपुलेशन के चूँकि मजीद बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे और जो एग्जिटिंग पापुलेशन थी वो बाय द पैसेज ऑफ टाइम जो है दे गॉट ओल्डर तो उसकी वजह से जो जितना भी उस डिपेंडेंट पापुलेशन का बोझ या बर्डन था उसको बर्दाश्त करने के लिए जो पापुलेशन थी वो बहुत कम तादाद में रह गई तो ऐसी सूरत के अंदर उन कंट्रीज़ को जो है इमिग्रेशन का सहारा लेना पड़ा तो पाकिस्तान के अंदर चूँकि पॉपुलेशन की पॉलिसीज़ जो हैं या पॉपुलेशन प्लानिंग की जो पॉलिसीज़ हैं वो उस हद तक इफेक्टिव साबित नहीं हो सकें तो इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड अ ब्लैसिंग इन डिस्काइज़ सो फैमिली प्लानिंग कैन हैव अ रेंज ऑफ सोशल एंड एक्नॉमिक बेनिफिट्स इंक्लूडिंग इम्प्रूवड मेटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इंक्रीज एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वेमेन एंड रिड्यूस्ड पावर्टी सो ओवरऑल इसका जो इम्पैक्ट है वो एक तो माँ की सेहत के ऊपर होता है कि अगर ये कहा जाता है कि कोई खातून या कोई औरत जितने ज़्यादा बच्चे पैदा करेगी पोटेंशियली उसके लिए उतने ही थ्रेट्स हैं या उतने ही डेंजरस सिचुएशन हैं इसके साथ साथ जो बच्चों की हेल्थ है या बच्चों की परवरिश है उसके ऊपर भी जो है वो ये कहा जाता है कि जितने कम बच्चे होंगे उतनी ही आप अच्छे तरीके से उनकी परवरिश कर सकते हैं तो चूँकि हमारे पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो रिसोर्स हैं उसके हवाले से भी इसको देखा जाता है कि पोटेंशली जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ही पॉसिबिलिटी है कि आपकी रिसोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो होती जाएगी और आपके लिए एट द एंड ऑफ़ द डे कुछ नहीं बचेगा सो कम पॉपुलेशन होगी तो रिसोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है वो जस्टिफाइड वे में पॉसिबल हो सकती है सो अंडरस्टैंडिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ फैमिली प्लानिंग इज़ असेंशियल फॉर एनालाइजिंग सोशल एंड एकनामिक ट्रेंड्स एज़ वेल एज़ फॉर प्लानिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पब्लिक सर्विसज द स्टडी ऑफ फैमिली प्लानिंग रिक्वायर्स आ मल्टाई डिसप्लिनरी अप्रोच अब ऐसा नहीं है कि फैमिली प्लानिंग को हम सिर्फ और सिर्फ़ एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं इसको सिर्फ पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखा जाता है बल्कि मल्टाई डिसप्लिनरी अप्रोच के ज़रिए हम ये देख सकते हैं कि क्या पापुलेशन प्लानिंग जो है वो होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए पॉपुलेशन प्लानिंग किसी एक खास कंट्री के अंदर इफेक्टिव है या वो काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो रही है इसको देखने के लिए हमारे पास एक मल्टा डिसिप्लिनरी अप्रोच होनी चाहिए इसको हम इकनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं पोलिटिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं और सोशोलॉजिकली भी एनालाइज कर सकते हैं सो बाई एनालाइजिंग द कंप्लेक्सटीज़ ऑफ फैमिली प्लानिंग वी कैन गेन आ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेज इन विच सोशल एंड एकनॉमिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डेमोग्राफिक ट्रेंड्स This understanding can inform policy decisions related to healthcare, education and social welfare. In Pakistan for example, the family planning is a critical factor for understanding and addressing the issues such as poverty, health disparities and resource allocation. So in a nutshell, effective family planning initiatives may include increasing access to contraception

वहाँ की कल्चरल नॉर्म्स क्या हैं वैल्यूज़ क्या हैं बल्कि इसके साथ साथ ये भी देखा जाता था कि वो लोग जो हैं वो अपनी रिलीजियस वैल्यूज़ को कैसे मद्देनज़र रखते हैं इन फैमिली प्रोग्राम्स के फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स के हवाले से सो एक्यूरेट डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस आर नेसेसरी फॉर इफ़ेक्टिव पॉलिसी मेकिंग रिलेटेड टू दिस फैमिली प्लानिंग